हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे जापानी फल का जूस। ये स्पेशल उन लोगों के लिए रेसिपी है जो जापानी फल को खाना पसंद नहीं करते, तो वो ये जूस पी सकते हैं। जापानी फल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बीपी का मसला जिनको रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और मैदे में जलन, मैदे में हर किस्म की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फ्रूट को आप ज़रूर खाएं, इसका जूस ज़रूर पिएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ 2 जापानी फल और 1 ग्लास पानी। ये 1 ग्लास जूस बनाने का मैं आपको बता रही हूँ, 1 ग्लास पानी और 2 जापानी फल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हम इसको रिमूव कर देंगे इस तरह से, दूसरे का भी। तो जी ये रिमूव कर दिए। इसका ये जो छिलका है ये हमने रिमूव नहीं करना, इसका छिलका भी खाया जाता है, इसका छिलका उतारा नहीं जाता। तो ये साइड से थोड़ा सा ख़राब है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए जो ख़राब था वो मैंने पार्ट उतार दिया, ये रहा। इसके इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। अब इन पीसेस को हम ब्लेंडर में डाल लेते हैं। इनको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया। अब जो 1 ग्लास पानी था उसको भी ऐड कर देंगे। और एक बात, इसके अंदर किसी किस्म की शुगर ऐड नहीं होगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून शहद डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, आपको जितना अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं, लेकिन शुगर ऐड नहीं होगी। ना ही इसके अंदर काला नमक ऐड होगा, ना ही इसके अंदर कोई चाट मसाला ऐड होगा। ये सिर्फ पानी और जापानी फल ऐड होगा। और आप यकीन करें, इतना टेस्टी बनता है, जिन लोगों को खाना नहीं पसंद उनको जूस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए ये ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसको खोलते हैं। तो ये देखिए कितना ही अच्छा ये बना है। ये इतना ज़्यादा पतला भी नहीं, इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने कर दी, एक पीस काट कर ग्रीन पार्ट के साथ ही मैंने ग्लास के ऊपर लगा दिया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी मैंने टुकड़ों में काट कर और साइडों पर रख दिया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर हम जूस डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप इसकी टेक्सचर चेक करें ज़रा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को लाइक कर दे। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे फीडबैक मिले और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोज़ जो हैं वो बनाती रहूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।